सो गाइस, अब मैं निकाल रहा हूँ अपनी GT 650 और देखो ये खड़ी है स्टैंडर्ड और ये तुम्हारे भाई की इलेक्ट्रा। अभी इसके ऊपर रेनकोट रखा हुआ है लेकिन किसी दूसरी वीडियो में दिखाएंगे अच्छे से आपको इसको। अभी बहुत दिन से खड़ी है, निकाला नहीं बहुत दिन से। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि पूरा हेलमेट भीग गया था, पानी मैं राइड पे गया था और लौटते वक्त पानी गिरने लगा तो हेलमेट भीग गया था। फिर अंदर अंदर बहुत पानी गया था लेकिन मैंने साफ़ कर लिया और थैंक गॉड माइक ख़राब नहीं हुआ, तो माइक अच्छा है, वही वाला माइक लगा हुआ है। तो आज हम जा रहे हैं फिर से राइड करने, तो चलो बाकी की बातें मोटर व्लॉग में करेंगे और आज बहुत ज़्यादा फन करेंगे गाइस। सो गाइस, मैं निकल चुका हूँ घर से, हम लोग जाएंगे आज भेड़ाघाट और बहुत ज़्यादा फन करेंगे आज। और अभी बहुत कम ही ऐसा हुआ है कि मैं ग्रुप में राइड में गया हूँ, मैं अकेले ही राइड करता रहता हूँ जब से मैंने GT लिया हूँ। और एक बार मैंने फर्स्ट मोटर व्लॉग किया था जिसमें सुपर बाइक्स थी, वो भी आप चेक कर सकते हो, वीडियो यूट्यूब में डली है। हवा कम लग रही है क्या पीछे? मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा, पंचर हो गई है, हवा कम लग रही है। सो गाइस, हमेशा की तरह मैं आज फिर थोड़ा सा लेट हो गया हूँ और भाई लोग मेरा वेट कर रहे हैं, तो चलो जल्दी से मैं उनके पास पहुँचता हूँ फिर राइड को कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, मैं जा रहा हूँ, देखो कोई भाई है मेरी वीडियो बना रहा है, भाई आ गया हमारा। हाँ क्या? हाँ हाँ ब्रो, हाँ हाँ हाँ, चलो पास मारी, चलो भाई। तो आज दो दो बाइक के साथ में अपने अपाचे RR 310 है और ड्यूक 390, तो आज मज़ा आएगा गाइस। हम जा रहे हैं भेड़ाघाट, काफ़ी अच्छे रूट पे जा रहे हैं, अभी सिटी में गाइस, हाईवे पहुंच के वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। मुझे मेरी GT में एक प्रॉब्लम लग रही है, पता नहीं क्यों यार इसके टायर ग्रिप नहीं दे रहा है, मैं कॉन्फिडेंस से नहीं चला पा रहा हूँ यार आज, पता नहीं ऐसा क्यों मुझे ऐसा फील आ रहा है यार, पता नहीं क्यों। अभी मैं रुका था, चेक भी कराया मैंने, हवा भी ठीक है यार, फिर भी इसके बाद ऐसा लग रहा है कि ग्रिप छोड़ रही है। अभी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लीन कर दिया था, बहुत ज़्यादा ग्रिप छोड़ रही थी ये, समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों यार। आज हो ही जाए गाइस, आज हो ही जाए, अपाचे भी आ गए हैं और ड्यूक भी आ गए हैं, मेरे को पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा यार, पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा आज यार बहुत। अभी मैं जब घर से भी निकाला ना तो बहुत थोड़ा सा लीन किया, ग्रिप छोड़ रही थी यार। तो क्या ख्याल है आपके, बहुत तगड़ी गाड़ी, एग्जॉस्ट नोट कैसा लग रहा है? बेस तो बहुत प्यारा है और बैकग्राउंड में व्यू कितना प्यारा है यार, ऑसम व्यू मैन। जैसे मैं वहाँ बीच में खड़े होकर कोल्ड ड्रिंक पीता रहूँ और आप शूट कर दो मेरी फोटोज वो बीच में मिडिल में सेंटर में क्यों? नाइस क्या मज़ा आएगा यार। तो आज अभी थोड़ा सा रुके हम लोग फोटो शूट के लिए, फिर इसके बाद जाएंगे भेड़ाघाट। और अभी मेरा फ़ोटो शूट कराने का इतना ज़्यादा मन नहीं है, तो भाई ने दो तीन फ़ोटो खींचा लेकिन काफ़ी अच्छी खींचा है, तो वही शेयर करूँगा अभी। और भेड़ाघाट चल के आप लोगों को भेड़ाघाट का व्यू भी दिखाएंगे, पानी ही पानी है वहाँ पे, तो गाइस क्या प्यारा व्यू है यार, एक नंबर व्यू, कहाँ से पूरी ज़मीन मेरी होती, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो मेरी गाड़ी अभी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, स्टॉक फिल्टर है इसमें, एयर फिल्टर स्टॉक है अभी, वो भी चेंज करना है मुझे अभी, है ना, और घुड़सेवक डल गए तो फिर एग्जॉस्ट जब चेंज हो गया है तो वो भी ज़रूरी है। सब निकल रहे हैं गाइस, आतंक मचाएंगे। मज़ा आया, मज़ा आया, मज़ा आया। मज़ा तो आ रहा है गाइस, आप लोगों को कैसा लग रहा है? अपाचे और ड्यूक,
सो ये हम आ चुके हैं गाइस भेड़ाघाट, और वाटरफॉल है लेकिन ये अभी वाटरफॉल जैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पानी का ओवरफ्लो बहुत ज़्यादा हो चुका है बरसात की वजह से। तो अगर आप लोग देखोगे गाइस आप लोगों को वाटरफॉल नहीं मिलेगा। तो चलो हम रुकते हैं और रुक के दिखाते हैं आप लोगों को कि क्या कंडीशन है इस वक्त। तो अगर आप लोग देख पा रहे हो गाइस वाटरफॉल जैसा कुछ नहीं है, वो वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा लहरें दिख रही ना आपको, वहाँ पे अच्छा झरना वाटरफॉल बहुत ही प्यारा देखने को मिलता है, लेकिन अभी नहीं क्योंकि अभी पानी का फ्लो बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी तो एकदम प्लेन और ऊपर ऊपर तक यहाँ पे दुकानें लगती हैं, सब कुछ डूब चुका है पानी, इतने पानी का लेवल इतना हाई है। दुकानदारों का क्या होता होगा ऐसे टाइम में बताओ, दुकान भी नहीं लगा पाते, कोई ज़्यादा है भी नहीं, भीड़ भाड़ भी नहीं है, नहीं तो इतने टाइम तो यार क्या भीड़ रहती है भेड़ाघाट में। हाँ ये भी डूब गया था, यहाँ तक आ गया था पानी। अरे तो गाइस देखो ये ब्रिज के ऊपर से पानी जा रहा था, वो पानी जो आप लोग वहाँ देख रहे हो। सो अब हम निकल रहे हैं गाइस भेड़ाघाट से, और मैं एक चीज़ और बोलूँगा भाई, जितने भी लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, मुझसे छोटे भी होंगे काफ़ी और काफ़ी मुझसे बड़े भी होंगे, तो एक चीज़ बोलूँगा यार, देखो भाई जब भी बाइक चलाओ हेलमेट पहन के चलाओ, और सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। थोड़ा सा भी भले कहीं भी जा रहे हो हेलमेट लगा लो, हेलमेट लगाने से कोई नुकसान नहीं होगा आपका, आपका फ़ायदा ही है। ठीक है ब्रो, ओके थैंक यू। बहुत ज़्यादा पानी गिरा है इस बार यार, बहुत ज़्यादा, ये देख रहे हो, एक समय ये सूखा पड़ा था अभी बरसात के पहले, और अभी यहाँ पानी है। कभी कभी तो इतना पानी गिर जाता है कि ये ऊपर से जाता है भाई फ्लो। मुझे अपाचे का ना यार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा सा है और काफ़ी स्मार्ट भी है। मज़ा तो है गाइस, मज़ा तो है। ओके तो हमारा प्लान बन गया गाइस कुछ खाने का, तो इस बार भाई आगे निकल चुका है। मज़ा तो है गाइस। कमेंट करना कैसा लग रहा है आपको आज का ये ब्लॉग, और हम लोग बहुत मज़े कर रहे हैं आज। और एक चीज़ तो है कि ड्यूक 390 काफ़ी अच्छा इनिशियल पंच है ड्यूक 390 का, और बहुत ही जल्द फुल वीडियो भी लेके आएंगे गाइस, रेस वाला, एक्सेलरेशन टेस्ट वाला और ड्रैग रेस वाला। तो उसके लिए आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब, आगे बहुत सारे धमाके करना है अभी हमको। ये क्या हो रहा है भाई, तो किसी दिन बढ़िया से रेस लगाएंगे गाइस ड्यूक 390 से। और अभी हमारी GT650 में कोई भी परफॉर्मेंस अपग्रेड नहीं है, एग्जॉस्ट भी जो हमने डलाया है वो लगभग स्टॉक जितने ही हैवी हैं, और एयर फिल्टर भी चेंज कराना है अभी, उससे भी काफ़ी बूस्ट होगा परफॉर्मेंस में। सो गाइस हम आ चुके हैं बिट्टू दा ढाबा, बाय भैया, बता देंगे अभी okay क्या है, बहुत दिनों से राइड हो नहीं रही है, संडे को सोचते हैं तो बारिश हो जा रही है, हो जा। बिल्कुल भैया बिल्कुल, मैं भी ज्वाइन करूंगा अब। हाँ, मैं इसको बोल दूंगा। ओके भैया बाय। तो गाइस हम यहाँ बढ़िया खा पी रहे थे और अब जाएंगे हम घर, रात हो चुकी है। सो गाइस फर्स्ट टाइम मैं नाइट में मोटो व्लॉग कर रहा हूँ, अभी तक मैंने नाइट में मोटो व्लॉग नहीं किया कभी, तो फुटेज कैसी आ रही है वो मैं घर जाके देखूंगा। और काफ़ी मज़ा आया आज राइड करके ड्यूक के साथ, थोड़ा सा हमने छोटी सी ड्रैग रेस टाइप की और बढ़िया से करेंगे, अभी तो मैंने ज़्यादा भगाया नहीं गाड़ी, धीरे कर लिया था मैंने,
क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम आ रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि पिछला जो टायर है वो ग्रिप अच्छी नहीं प्रोवाइड कर रहा है। आज हवा भी चेक करा लिया मैंने, तो मैंने धीरे कर लिया था गाड़ी, फुल थ्रॉटल नहीं गया मैं। ओके ब्रो बाय। सो भाई जा चुका है गाइस, हम भी अपने घर जाएंगे अब। तो कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको आज का ये व्लॉग, मज़ा आया कि नहीं गाइस, कमेंट करना। और ड्यूक 390 के साथ रेस भी करेंगे बहुत जल्द। तो चलो गाइस अब हम भी निकलते हैं घर और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो गाइस तो लाइक करना, और चैनल पे नया हो तो गाइस सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि आगे बहुत ही ज़्यादा औसम कंटेंट आएंगे, अभी तो हमने शुरुआत की है। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, अपने घर वालों का भी ध्यान रखना। राइट, सेफ, बाय बाय।